इस बार आरएलपी ने पेच फंसा दिया, जिस प्रकार के आरएलपी सुप्रीम एंड मानवेंद्र नेवाल की सभाएं रही जबरदस्त, उनके सभाओं में लोग जुड़े, क्या लगता है इस बार नुकसान हुआ है कांग्रेस को भी बीजेपी के साथ? अब की बार जो आरएलपी का चुनाव प्रचार जो रहा वो वास्तव में आत्मे में ये मान के चलता हूँ कुछ हद तक सफल होते दिख रहे। मधुसूदन जी राजपूत थे, उनके जाने से, श्यामलाल जी के जाने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की कैसे भरपाई करोगे? सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव का जो प्रचार का शोर है वो थम चुका है, कल मतदान होना है। इससे पहले हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के राजकरण जी चौधरी साहब हैं, हमने इसे कई बार टाइम मांगा लेकिन इन्होंने टाइम दे नहीं पाए, काफ़ी बिजी थे। सर किस प्रकार से चुनाव को देखते हो आप? सर्वप्रथम तो मैं चुनाव प्रचार की व्यस्तता के कारण आपको जो असुविधा हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और चुनाव तो चुनाव ही होता है, चुनाव को चुनाव के हिसाब से लड़ना पड़ता है। हमने और हमारी टीम अनिल शर्मा ने पूरे जोर शोर के साथ हमने कंपेनिंग की है, और विधायक महोदय का स्वर्गीय पंडित मोहनलाल जी शर्मा का भी हमें आशीर्वाद है प्राप्त है, निश्चित रूप से हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस सर पूरे चुनाव के अंदर हम अनिल शर्मा के प्रचार की बात करें तो आप सारथी की भूमिका नज़र आए, आपने पिताजी के जाने के बाद आज बड़े चेहरा आप नज़र आए, उनके स्टार प्रचारकों की बात करें या फिर आप पूरे गाँव देहात में उनके साथ खड़े रहे हर समय, तो सर आप पर कितनी जिम्मेदारी चुनाव को निकालने की? नहीं, ये तो मैं मेरा दायित्व खुद समझता हूँ कि आज इस परिवार को हर कार्यकर्ता की आवश्यकता है, और मैं नए की सारथी बल्कि मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में एक भाई के नाते और भाई अनिल जी शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिला के और जो हमसे जितना हो सकता है उतना हम प्रचार कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में कहाँ कांग्रेस को पाते हो, क्योंकि आप पर बड़ी जिम्मेदारी, नगर पालिका अध्यक्ष हो तो आप पर इसका दारोमदार होगा कि कांग्रेस के पक्ष मतदान करवाएं, तो शहरी क्षेत्र में कांग्रेस अपने आप को कहाँ पाती है? बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता, चूँकि शहर का दायित्व मेरे पास है और कांग्रेस ने और हमारे नेता ने मुझ में विश्वास करके मुझे नगर पालिका का चेयरमैन बनाया, और वार्ड नंबर 32 का आपने उदाहरण देखा, और वार्ड नंबर 32 में जहाँ लोग और मीडिया सभी पार्टी को हरा हुआ सीट मान रहे थे, वहाँ मैंने जो पिछले आठ महीने में विकास के काम किए और लोगों से जाकर उनके काम बताए तो जो लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला उसका ये प्रमाण है कि लोगों ने विकास के कार्यों पर ठप्पा लगाया। इसी प्रकार मैं इस चुनाव में भी ये मान के चलता हूँ कि पिछले 1.5 साल में, 1.5-2 साल में हमने जो शहर में काम किए, ऐतिहासिक काम जो हमने किए हैं, विकास के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं और मोहनलाल शर्मा की सेवा के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और निश्चित रूप से हम, मैं ये मान के चलता हूँ कि हमने जो विकास कार्य वार्डों में और शहर में किए हैं, जिसमें गंदे पानी की निकासी की समस्या थी और सब्जी मंडी रोड चौड़ा करना, लवारागाड़ा रोड चौड़ा करना, डिवाइडर्स मुख्य मार्गों को चौड़ा करना, 3-3 हमने पार्क विकसित किए, 3-3 हमने जिम भी लगाई, जो हमने विकास के काम किया वो जनता के सामने है, कच्चा बस स्टैंड हो चाहे बीकानेर बस स्टैंड हो, काम किया और काम करेंगे का नारा जो हमने दिया था उसके आधार पे मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि विकास के नाम पे मुझे निश्चित रूप से वोट मिलेंगे, और वो वोट मोहनलाल शर्मा जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर जिस प्रकार से यहाँ सरदारशहर की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला रहता था, लेकिन इस बार आरएलपी ने पेच फंसा दिया, जिस प्रकार की आरएलपी सुप्रीम एंड मानवेंद्र नेवाल की सभाएं रही जबरदस्त, उनके सभाओं में लोग जुड़े, क्या लगता है इस बार नुकसान हुआ है कांग्रेस को भी बीजेपी के साथ? नहीं, ये स्वीकार करने में मुझे कतई संकोच नहीं है कि जो आरएलपी पिछले चुनाव में 10,000 वोटों तक सिमटी थी, अब की बार जो आरएलपी का चुनाव प्रचार जो रहा वो वास्तव में देहात में, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये कुछ हद तक सफल होते दिख रहे हैं, लेकिन सिटी के अंदर आरएलपी का कोई अस्तित्व नहीं मानता, यहाँ सिर्फ वही दो पार्टियाँ कांग्रेस और बीजेपी है। देहात में जहाँ तक नुकसान की बात है तो निश्चित रूप से नुकसान भारतीय जनता पार्टी का मेरी नज़र में ज़्यादा हो रहा है, और कुछ कहीं कहीं कांग्रेस का भी हमारा नुकसान हुआ है, तो उसको भी हम डैमेज कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आरएलपी अब जीतने की बात कर रही है, आरएलपी ने, आपको नहीं लगता कि आरएलपी ने दलित वोट बैंक के ऊपर चेंजबाजी की है, मुस्लिम मतदाता भी आरएलपी की तरफ जुड़े हैं, तो आपको नुकसान नहीं होगा इससे? आपको नहीं लगता कि अब आरएलपी जीत भी सकती है चुनाव? मैं ये नहीं मानता, मुस्लिम वोट साथ घूम सकते हैं लेकिन जिस दिन मतदान करने जाएंगे तो उनके दिमाग में एक ही चुनाव चिन्ह बैठा हुआ है और निश्चित रूप से वही मतदान करेंगे। SC ST के बारे में खाली एक
नेता को साथ लेके घूमने से SC ST के वोट नहीं जुड़ते। और बायला का उदाहरण मैं आपको दूं, बायला में जो इनकी सभा हुई थी RLP की, और वहाँ SC ST के नेता मेरे भाई गए थे तो उनको वहाँ सुनना ही पड़ा। तो इसलिए SC ST को तो मैं नहीं मानता। बाकी जाट समाज के वोट जो टूट के RLP में जुड़े हैं युवा वर्ग के, उसमें ज़्यादा BJP को, थोड़ा कांग्रेस को नुकसान मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन सर, आप खुद जाट नेता हो, चेयरमैन बने हो कांग्रेस की ओर से, आप पर कितनी जिम्मेदारी है कांग्रेस के पाले में जाट मतदाताओं को लाने की, क्योंकि आप खुद चेयरमैन हो, तो आप भी बड़ा चेहरा हो कांग्रेस की, एकमात्र चेहरा हो जाट सरदार शहर के अंदर, तो आप पर कितना बड़ा दबाव है इस चीज़? नहीं, मैं एक अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ खूब जाट नेता हैं। लेकिन जो जाट नेता देहात के हैं, जैसे हमारे डायरेक्टर्स हैं, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन हैं, देहात में मेरे साथ साथ उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि देहात के जाट लोबी के जो भी वोट टूट रहे हैं या युवा लोबी जो आकर्षित हो रही है, तो उनकी भी मेरे से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। और हम सब ने मिलकर प्रयास किया है, उन्होंने देहात में किया है और मैंने सिटी में, मेरे से जितना हो सकता है मैं हर संभव ये कोशिश कर रहा हूँ कि मतों का विभाजन हमारी कांग्रेस का जाट वोटों का नहीं हो, इसमें मैं प्रयासरत हूँ। सर, एक सवाल ये भी मेरा रहेगा कि मधुसूदन जी राजपूत थे, उनके जाने से, श्यामलाल जी के जाने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की कैसे भरपाई करोगे? श्यामलाल जी की जहाँ तक मैं बात करूँ, श्यामलाल जी का नुकसान मैं इसलिए नहीं मानता कि जय सीसर गाँव के वो रहने वाले हैं और वहाँ के वो सरपंच हैं, तो श्यामलाल जी का क्षेत्र इसमें है नहीं, तारानगर में पड़ता है, और पारिवारिक कुछ मतभेद हो सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से उनका कोई फर्क या नहीं पड़ने वाला। मधुसूदन जी पुरोहित की जहाँ तक बात है, तो मधुसूदन जी का अपने गांव मेहरी में कुछ प्रभाव हो सकता है, सरदार शहर में अचानक जब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हो चाहे मधुसूदन जी हो, अचानक जब कोई पार्टी चेंज करता है तो वोटर उसके साथ रिमूव करे या नहीं करे उनके वोटरों पर निर्भर होता है कि वो क्या करेंगे। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस को आप कहाँ खड़ा पाते हो? मैं तो मेरे कांग्रेस को और मेरे नेता को एक नंबर पर खड़ा पाता हूँ, और भाई अनिल जी के साथ पूरा सरदार शहर है, और सहानुभूति कार्ड जैसा कि आपने बताया नहीं चला वार्ड नंबर 32 में, उस कार्ड में और इस कार्ड में बहुत फर्क है। भाई अब्दुल रहमान जो पार्षद बने थे उनका कार्यकाल तो छोटा सा रहा 1 साल का, जबकि हमारे माननीय विधायक महोदय ने बिना पार्टी बाजी के 50 साल तक पूरे शहर की जनता की, देहात और शहर की जनता की सेवा की, और कोई भी बीमार अगर गया तो उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम किस पार्टी से हो, पहले उन्होंने जाते खाने का पूछा और उसके बाद उसका इलाज कराया। तो मेरे हिसाब से उनकी अंतरात्मा झकझोरेगी उनको, जब जब पंडित जी ने उनके काम किए तो वोट देते वक्त वो अपने अंतरात्मा पे हाथ रख के पार्टी बाजी से ऊपर उठ के मतदान करेंगे, यही अपील हम जगह जगह कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से मोहनलाल जी की जो सेवाएँ थी वो निश्चित रूप से उनको मिलेगी। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, जो कि सारथी की भूमिका में नजर आए, और देखने वाली बात ये होगी कि 5 दिसंबर को मतदान होना और 8 दिसंबर को परिणाम आएगा, तो कांग्रेस इस चुनाव के अंदर कहाँ खड़ी मिलती है। सरदार शहर से दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।